नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हंसिका शुक्ला सीबीएसई 12वीं की टॉपर, 500 में से 499 नंबर मिले हैं। हंसिका करिश्मा अरोड़ा के साथ जॉइंट टॉपर बनी है। वो डीपीएस मेरठ रोड गाजियाबाद की स्टूडेंट है। हंसिका को म्यूजिक, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। वहीं अंग्रेजी में 99 नंबर मिले हैं। सोचिए, एक नंबर अगर मिल जाता तो पूरे 100 हो जाते और 500 में से 500 नंबर इनके पूरे हो जाते, लेकिन नहीं हुए। कोई बात नहीं, एक नंबर कम मिले हैं, लेकिन फिर भी हंसिका देश में टॉप तो कर गई। हंसिका ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं की। सोचिए, हम अगर टॉप करने के लिए पढ़ाई करते तो कोचिंग भी करते, स्कूल भी जाते, घर पे आके पढ़ते, दिन रात एक करते, लेकिन उन्होंने कभी कोचिंग ही नहीं ली, खुद से पढ़ाई की, सोशल मीडिया से दूर रही। ये एक बड़ी बात उन्होंने बताई कि ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबसे दूर थी वो। बाकी उन्होंने क्या बताया, टॉप करने का उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, आप खुद ही इनकी बात सुन लीजिए। कि वो अपने में बिलीव करें, दे फॉलो अ सेट शेड्यूल, अपनी टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी जो हेल्प है वो हमेशा लें विदाउट हेजिटेटिंग एंड कंसिस्टेंट रहें, बिकॉज रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हंसिका पढ़ाई करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS ज्वाइन करना चाहती है। हंसिका ने ये बताया कि उन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, वो बैडमिंटन की बहुत बड़ी फैन है, यहाँ तक कि वो पीवी सिंधु और कैरोलिना को काफ़ी फॉलो करती है हर जगह। और उन्होंने ये भी बताया कि रिलैक्स होने के लिए वो अक्सर स्पोर्ट्स वीडियो ही देखा करती थी, क्योंकि एग्ज़ाम के आखिरी वक्त में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता था, तो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए फ़ोन पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी वो सिर्फ स्पोर्ट्स के वीडियो देखा करती थी और खासकर बैडमिंटन। हंसिका शुक्ला की अंग्रेजी की टीचर ने बताया कि उनका टॉप करना बड़ी बात नहीं है, वे सभी इंश्योर थे कि हंसिका मेहनती है और वो अच्छा करेगी ही करेगी। टीचर की माने तो हंसिका ने हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया था। हंसिका को अंग्रेजी में एक नंबर कम मिलने पर उनकी टीचर ने बताया कि भाषा की वजह से हंसिका को इंग्लिश में एक नंबर कम मिले। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देश की टॉपर तो है ही, पूरे स्कूल के साथ पूरे देश को उन पर गर्व है। हंसिका के पिता राज्यसभा सचिवालय में काम करते हैं। हंसिका की माँ एसोसिएट प्रोफेसर है, गाजियाबाद के कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाती है। हंसिका के टॉप करने पर उनकी माँ ने कहा, हंसिका डिटेल स्टडी में ज़्यादा विश्वास करती है, उसे खुद पर भरोसा था कि वो बेहतर करेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही इनकी बात सुनिए। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी करती थी, बहुत ज़्यादा है वो। सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास? एनकरेज्ड थी कि उसको अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन डिटेल्ड स्टडी में उसका विश्वास था, बहुत बहुत फेथ था उसको अपने ऊपर और सेल्फ स्टडी करती थी, एक ट्यूशन उसने नहीं लिया था। दूसरी तरफ हंसिका का कहना है कि उनकी माँ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनके पिता थोड़े कम स्ट्रिक्ट है, मतलब होता है ना कि थोड़े से लिबरल टाइप के, तो उनके पापा आराम से वो लिबरल टाइप के, ऐसा हंसिका का कहना है। हंसिका के इस सक्सेस पर HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने भी उन्हें फ़ोन करके बधाई दी है। तो आज जो दिन है वो हंसिका का है, देश भर में उनके चर्चे हैं, देश भर में उनका नाम है और सभी लोग खुल के उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। आप भी इन्हें बधाई दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, आपको हंसिका के बारे में क्या कहना है, हंसिका आगे क्या कर सकती है, सारी चीज़ें आप डिस्कस कीजिए और हमें बताइए। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। शुक्रिया।